इंडियन मिस्टर कनेडियन आ रही है मूवी द कंसेप्ट की रहूंगा रोमांटिक की कॉमेडी थोड़ा मूवी बारे एक मूवी ये भी है कि एक एनआरआई दे रहा था कि एनआरआई जो इंडिया चल रहा और उसकी मैरिज नहीं होती जिन्होंने कहने हैं कि बैचलर आओ कवारा और पंजाब दे विच कोई कवारा एनआरआई आ जाए तो उन्होंने कोशिश कर रहे जितना मज नूं संगल पाई दा इहनूं संगल पा लीए अज ते भज ना जावे किसे कोल क्योंकि उन्होंने पढ़न वाले बहुत आ ते बेचारा बंदा इक्को ही है ये सारा फिल्म का कॉन्सेप्ट है इस रोमांटिक कॉमेडी बी एंड डायरेक्टर सर तो पूछना चाहवांगे सर मूवी शूट कितने कितने हुई है ते की प्रॉब्लम्स आई मूवी नु शूट कर दे मूवी का शूट अपा किया है मोस्टली पंजाब से पंजाब के पठानकोट एरिया के नेड़े जरा सराउंडिंग उत्थे है एक्चुअली शूटिंग की परमिशन नहीं मिलती बट साढ़े कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट होने करके सू काफ़ी लोकेशन जगह है कॉस्ट की मिली उस तो बाद चंडीगढ़ शूट किया एज ए होम टाउन है मेरा होम टाउन होने करके भी इतने भी प्रॉब्लम नहीं आई उस तो बाद असी वैंकूवर सरी के नेड़े छेड़े शूट किया संजीव जी का होम टाउन होने करके उतने भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई सो असी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की असी अपनी टीम को इदा रखिया कि सारी टीम जी सा पार्ट है सो किसी ने सूँ इदा कुछ लग्या नहीं कि प्रॉब्लम आई मगर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंदियाँ तो कोई प्रॉब्लम्स गिनती च नहीं आदियाँ उन्होंने फेस करना सानू मतलब सानू मिल के सारे आता है तो असी फिल्म जी है जिदा तुम फिल्म वधिया लगेगी उस तो 10 गुणा वधिया तुम साढ़े सैट माहौल जोड़ा सी वधिया जो आप फिल्म देखा सानू उस बैटर फिल्म लगेगी आज अगर आप सारे शूट अपने करैक्टर्स बारे सब दसो किवें दे करैक्टर्स होंगे सारे मेरा नाम अरुषी जैन है तो मैं इस फिल्म के लिए एज अ लीड डायरेक्टर का रोल प्ले किया है तो साडा मतलब बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा है पूरी मूवी जिस हिसाब मेरी ये फर्स्ट मूवी सी एज अ लीड तो मैं बहुत वधिया डायरेक्टर सर या मेरे पार्टनर जो भी मूवी दे विच सी बहुत सपोर्ट रहा अगर मैं कुछ गलती भी कर रही मैं बहुत वधिया तरीके नाल समझाते मैं मिस्टर कनेडियन का रोल प्ले कर रहा संजीव चाल जी कनेडियन एक्टर और मैं एक कनेडियन डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा और एक दूल्हा बनन जा रहा मैं इस फिल्म और किदा के बराती मैं मिलते हैं आओ आप देखिए नचिए भंगड़े पाइए तो इंजॉय करिए मैं अमरदीप माणा मेरा फिल्म के वन ऑफ द मेन लीड शो है मेरा करैक्टर तो मैं भाजी का जिमें भरा बनया हों शरारती वाला भरा जो हों अपना जिमें कुड़िया नाल गल करन तो इन्हों थोड़ी तो होंगी है कि शरीफ होंगी है मैं इन्हों धक्के मार मार के कुड़िया को भेज दा कुड़िया जान के इन्हों को भेज दिना तो जो कुड़िया पता लगता कि कैनेडा तो आया हुआ तो पांच छे कुड़िया जिहड़ियां भी होंदियां सारी इन्हां दे आले दुआले घूमन लग जांदियां फिर कुड़ी चॉइस करन दी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिल्म च काफ़ी कॉमेडी क्रिएट होंदी है वो हुण तुहानूं उत्थे जा के पता लगेगी तो फिल्म च मेरा सोंग है रेडबुल बहुत वधिया सोंग है तो उन्होंने बहुत वधिया हुलारा भी मिल रहा है तो फिल्म 100% मेरी गरंटी है कि फिल्म तुहानूं जरूर पसंद आऊगी तो तुसीं जरूर देखण भी जायो क्योंकि असी ही चंगीआं फिल्मां नूं सपोर्ट करनी है ताकि पंजाबी सिनेमे का पद्धर होर उच्चा हो सके तो जे असी अपना रोल करता प्ले असी फिल्म बनाती सिनेमे च लग गई पर जे तुसीं नहीं देखोगे तो तुहाडे वाले पासे कमी रह जाणी है तो एक चंगी फिल्म है जरूर देखी थैंक यू वेरी मच सत श्री अकाल जी मैं अमन कौदे तो जिहड़ा ए मी एंड मिस्टर कनेडियन फिल्म दे विच मेरा रोल है वो जिन्ना हुण तक मैं काम किया उस तो सारा हट के है क्योंकि मैं ज़्यादा नैगेटिव डार्क शेड करैक्टर किए हुण तक चाहे गाने च ला लो या फिल्मों ला लो ये मैं नगेंद्र भाजी ने कॉमेडी करवाई है मेरे तो एक गुरप्रीत कौर फंगू मैडम ने तो उन्होंने मैरिज ब्यूरो होंगे तो वह मैरिज ब्यूरो के उत्ते मैं जॉब करता तो साडा काम की है कि कुड़ियां आउंदियां ने मैरिज ब्यूरो के रिश्ते वाला है ना तो उत्थे मतलब बंदा साढ़े को एक होंगे एन आर आई तो कुड़ियां होंदियां ने काफ़ी पर अभी सारिया कुड़ियों हाँ कहने भी साढ़े को है ना मतलब वह एक जरा ताना बाना है ना वो फिल्म देख के तुम्हें पता लगेगा भी जी एन आर आई है वो कि कुड़ी ना विह करवा है ना
ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੇਅਰ ਕੇਅਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਹੂਗਾ ਫਿਲਮ? ਅਤੇ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਪੰਜ ਸੌਂਗ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ, ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਲੀਡਿੰਗ ਸਿੰਗਰ ਆ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਧੂਮਾਂ ਮਚੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਚਾਉਣੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਈ 31 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੂਨ 14। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ।